बड़ी है बड़े बाबू भगवान दास जी जो सूफी मृक्ष के पत्थर तैनात हुए और वो सेवा निवृत्त हुए। उनकी उम्र 75 साल थी, उनका 75वां जन्मदिन हमने मनाया। 11 जनवरी को उनका 75वां वर्ष था जो समाप्त हुआ, 76वें वर्ष में उनका शुरू हुआ। दो बेटे हैं इनके पास और दो बेटियां हैं। अच्छे भले बड़े बाबू यहाँ थे और तो साइकिल वाला जो आया उसने एक्सीडेंट कर दिया। बड़े बाबू उनका जीवन समाप्त हो गया। वो अपनी समाज में इतने कर्मठ और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य निष्ठा की बातें की, कभी किसी से दबे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई पर अमल किया, संघर्षशील रहे। और मेरे समय में वो भारतीय बौद्ध महासभा में काम किया, जनरल सेक्रेटरी रहे जिले के, SC ST यूनियन के भी अध्यक्ष रहे अपने समय में, और हर किसी के दुख सुख में वो हमेशा चलते रहे। सबका साथ दिया, सबका सहयोग किया, सबको अपना प्यार दिया, कभी किसी से कोई गणना नहीं की। एक बात थी कि जो उन्हें कहनी थी, जो सच बात थी, कड़वी थी, वो उनको कह देनी थी। बड़े बाबू आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हैं और हमारी उनके प्रति यही श्रद्धांजलि है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। उनकी उन्होंने जो हमें दिया है हमें वो सुरक्षित रखना है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनकी यादों को हमें तरोताज़ा रखना है, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। बाबूजी जहाँ भी हों, जिस स्थिति में हों, उनके चारों भौतिक तत्व सुखी हों, समृद्ध हों, शांतिपूर्वक रहें, जहाँ भी हों वो उन्हें शांति मिले, यही हमारी कामना है। बुद्ध से हमारी प्रार्थना है, बाबा साहब से प्रार्थना है कि बाबा साहब का बड़े बाबू भगवान दास जी का पुनर्जन्म न हो, वो एक देवता की तरह वायुमंडल में विचर करें, सबको आशीर्वाद दें। हमारी विनम्र श्रद्धा गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए श्रद्धेय भगवान दास जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए आज हमारे बीच में एक्स इंस्पेक्टर साहब श्रद्धेय भगवान दास जी नहीं रहे। उनकी याददाश्त है, लोगों में संदेश बना रहेगा। साथियों मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उनके बताए हुए पर मार्ग पर हम लोग सब चलें और बौद्ध धर्म का अनुपालन करें, पालन करें और सबको संदेश भेजें। उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना होगा। एक्स इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ बहुत कड़ी मेहनत के साथ में इस पार्क को भी सींचा है उन्होंने, क्योंकि मैं जब से मैंने 1990 से मैं यहाँ आया टिड़ गया तब से मैं देख रहा हूँ। साथियों उनका संदेश, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा था, मानने लायक बात थी। मैं सभी उनके परिवार को और उनको श्रद्धेय सुमन के मैं अर्पण करता हूँ और उनकी आत्मा को संतुष्टि देता हूँ कि वे अपने वायुमंडल में घूमते रहें, ऐसी दिशा निर्देश देते रहें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनके बातों का, अनुभव का हम लोग अनुसरण करें। यही मेरी श्रद्धा सुमन, सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पण होगी। जय भीम। बाबू भगवान दास
हमारे बीच नहीं रहे। वो बहुत ही सोशल वर्कर थे, समाज में निष्ठा का पाठ पढ़ाते थे और जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो वहाँ पहुँचते थे, सभी सेवा भाव करते थे। वो हमारे बीच इस समय नहीं हैं। मैं अपनी श्रद्धा सुमन इनको अर्पित करता हूँ। हाँ जी, आज हम लोग जननायक कर्पूर ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। जयंती का उद्देश्य और इस महान व्यक्तित्व का विचार को लेकर के हम लोग आप अपनी बात हम कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही गरीब घर में पले और पैदा हुए, उन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी। बिहार जैसे प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ सामंतवादी व्यवस्था, जहाँ दबंगई, जहाँ लट के जोर पर राज करने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर एक नाई समाज में पैदा हुए एक ऐसे नेता जो बिल्कुल कमजोर वर्ग का, जिसकी उस विधानसभा में मात्र 2000 वोट थे, वो आदमी लगातार विधायक रहा, दो बार मुख्यमंत्री रहा। ऐसे आज हम महान पुरुष की जयंती मना रहे हैं। इस जयंती पर उनके बारे में मुझे एक दिन बात याद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस आरक्षण को लागू करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग उस आरक्षण के खिलाफ थे। तो कर्पूर जी ने ये कहा था कि मैं अपनी गद्दी को त्याग दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं आरक्षण जरूर लोगों को दे के मानूंगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सब SC BC के लोगों को आरक्षण दिया, उन्होंने सर्वण जाति के लोगों को भी आरक्षण दिया, जिसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कास्ट हो, उन लोगों को भी 3% आरक्षण देने का कार्य किया बिहार के अंदर। तो उसमें उस समय लोग उसको कहते थे कर्पूरी फार्मूला, कर्पूरी। हमारे बीच में हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी आगरा मंडल मुख्य अतिथि सुमित भाई आ चुके हैं, स्वागत। हमने कार्यक्रम को सुचारू से शुरू करने पहले मैं चाहूंगा कि हमारे माने जननायक कर्पूर ठाकुर जी की तस्वीर पर मुख्य अतिथि माला पढ़कर और हमारे विधानसभा अध्यक्ष केशव निमेश जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर है, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर है, कर्पूरी ठाकुर अमर है, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मेयर कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। थोड़े थोड़े भैया कुछ आ जाए, सबके लिए हो जाए, अपने दो दो पत्तियाँ सबको हो जाए, एक मिनट हटा दो ये वाली बाकी हटा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,
आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए आज अति पिछड़ों के मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक जननायक कर्मकुंड ठाकुर जी के आज जन्म दिवस के रूप में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ मना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दलित पिछड़ों के सम्मान की बात की है, तो जननायक कर्मकुंड ठाकुर जो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने गरीब तबके के लोगों का बहुत और ईमानदार लोगों का सहयोग किया और लगातार उन्होंने उन लोगों की बात की, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया। तथा कर्पूरी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा कमजोर लोगों की मदद की, और चाहे उन्होंने गद्दी अपनी गद्दी की फिक्र नहीं की लेकिन समाज के लोगों के भलाई के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिए। दो दो बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो कभी भी उनको अपना खुद का पक्का मकान नहीं बना पाए, इतने ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। आज पूरा देश कर्पूरी जी को मना रहा, कर्पूरी जी की जयंती को मना रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो मनाती मनाती है, आज सभी राजनीतिक पार्टियां ही मना रही है। बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने हमेशा कर्पूरी जी को सम्मान देने का काम किया था। जब भामसेन का गठन हुआ तो द्वितीय सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था। वो दिन याद है, हमने किताबों में पढ़ा है कि कर्पूरी जी हमेशा काशीराम जी को बहुत दिल से चाहते थे और दोनों का एक साथ था। अगर वो हमारे कर्पूरी जी जिंदा रहते तो हो सकता था माननीय काशीराम साहब के साथ आ जाते। यह मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सभी लोग ईमानदारी से और अच्छे लोगों का राजनीतिक में चयन करें, यही जननायक कर्पूरी जी का। अब पिछड़ा वर्ग के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत परिश्रम किया, उन्होंने गरीब शोषितों दलितों के बारे में सोचा और उनके आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत परिश्रम के साथ गरीबी में जीवन जीते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कभी भी उन्होंने अपने में मुख्यमंत्री थी तो काल में कभी भी ऐसा शासन का दुरुपयोग न करते हुए आगे बढ़े। आज हम बहुजन समाज पार्टी मंडल कार्यालय पर कर्पूरी जी ठाकुर जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी महाराज जो है बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने दबे कुचले लोगों को उठाने का काम किया, और अपने जीवन काल में वह कई बार जेल भी गए। अपने दबे कुचले समाज के लोगों को उठाने का पूरा जीवन भर उन्होंने ये कार्य किया, और बिहार में आज भी उनको भगवान के रूप में माना जाता है। हम ऐसे व्यक्ति से जो पूर्व में दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों में चलना चाहिए। मैं सभी आज आगरा शहर के वासियों को उनके जन्म दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज मंडल कार्यालय पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पिछड़े समाज के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज जन्म जयंती है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के आगरा जनपद के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा दलित समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लोगों के जो दबे कुचले लोग थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमको आज उनकी बातों को स्मरण करना चाहिए। आज सभी हम कार्यकर्तागण उनको सत्सत नमन करते हैं और जय भीम। जय भीम। आज जो आपका कार्यक्रम है, जो मीटिंग है, किस संबंध में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के तत्वाधान में ये बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें कैडर कैंप दिया जाएगा, जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने वर्षावास करके लोगों को संगठित किया, उनको कैडर दिया, इसी प्रकार से हम लोग ये कैडर कैंप लगा रहे हुए हैं, जिससे कि हमारे लोग संगठित होकर इस कार्य इस बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ा सकें, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मिशन। थोड़ी कारण के उनके बारे में जानकारी दे दीजिए आप। देखिए, ये कार्यक्रम LBSS द्वारा किया जा रहा है, लॉर्ड बुद्ध सेवा समिति द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी जानकारी का अभाव है। जानकारी भले शिक्षा की हो, जानकारी भले राजनीति की हो, जानकारी भले धर्म की हो, जानकारी भले महापुरुषों की शिक्षाओं की हो,
तो LBSS की जो ये आज की मीटिंग है, इसका उद्देश्य मात्र है कि जो महापुरुषों ने हमें शिक्षाएं दी हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। क्यों पहुंचाई जाए? क्योंकि उनकी जानकारी को ना तो किताबों में पढ़ाया जाता है, ना रेडियो पे सुनाया जाता है, ना ही सीरियल के माध्यम से या न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है। तो हमें इसके लिए जो रास्ता बुद्ध ने चुना था आज से 2500 साल पहले कि हम डोर टू डोर और फेस टू फेस जाएंगे, घर घर जाके हम लोगों को बताएं कि महापुरुष आखिर क्या चाहते थे, तो वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। उसमें आज का जो कार्यक्रम है वो LBSS संस्था ने अपनी तरफ से लगवाया है, और मैं और मेरे साथ, मैं संदीप बौद्ध, मेरी टीम के साथी धर्म प्रकाश और अमित गौतम, हम लोग अभी एक मीटिंग पहले ख़त्म करके आए हैं। और 3 दिन का जो ये आगरा में हम लोगों ने प्रोग्राम का पूरा प्लान बनाया था, उसमें ये लास्ट मीटिंग है, 6th मीटिंग। 3 दिन में हमने 2-2 मीटिंगें की हैं। तो ये जो कारवां है महापुरुषों का, ये निरंतर चलता रहे, उसके लिए बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। LBSS संस्था ने मुजफ्फरनगर में भी जो कि स्कूल बनवाया जा रहा है लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के नाम से, तो वहाँ पर भी कई बार मीटिंग लगवाई हैं, मुझे भी बुलाया है वहाँ पर एज अ वक्ता। तो LBSS जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, और आज की ये मीटिंग भी हमारी जो ये उद्देश्य है महापुरुषों की शिक्षाओं को लेकर वो पूर्ण करने के लिए है, उसके लिए मैं समस्त LBSS टीम का धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। खासकर राजराही जी का, जो उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। जी, अपनी संस्था के बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज ये जो टीम LBSS है, उसकी आगरा की इकाई, मंडलीय इकाई, और जो प्रदेश संगठक श्रद्धेय प्रदीप कुमार गौतम जी, और साथ में जो हापुड़ से हमारी टीम आई है, बुलंदशहर से जो टीम आई है श्रद्धेय संदीप बौद्ध जी, और बुलंदशहर से जो हमारे साथी आए हुए हैं, और यहाँ आगरा के जो भी टीम है, सब लोग मिलकर के महापुरुषों के इतिहास को संजोए रखने के लिए, खास तौर से महिलाओं के ऊपर जो प्रशिक्षण सत्र आज यहाँ रखा गया है, और नौकरी पेशेवर जो लोग हैं उनके विषय में महिलाओं की जागरूकता के लिए। साथियों, LBSS का काम ही यह है कि जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत देश भर में जो अज्ञानता है उसको मिटाना, शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में लोगों में एक उभार पैदा करना, चेतना पैदा करना, इसीलिए हम सभी लोग इस प्रयास के लिए आज आगरा मंडल में एकत्रित हुए। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। जयकारे लगाते रहो यार। आज जो आपकी मीटिंग हुई है उस संबंध में थोड़ी जानकारी दीजिए। साथियों, मेरा नाम रामपाल सिंह जाटव है, मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जिला संरक्षक हूँ। आज जो बैठक रखी गई है शाहदरा पर, वाल्मीकि बस्ती शाहदरा में, इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया, दलितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी की घोषणा की गई है। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आपको पता ही है जहाँ जहाँ पर हम दलित लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है उसको रोक करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन का चंद्रशेखर भाई जी ने गठन किया। आज भीम आर्मी पूरे भारतवर्ष में हर गांव में पहुंच चुकी है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को, दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आज जो बैठक की गई है यहाँ पर, हमें इस बार का अध्यक्ष और कई पदाधिकारी नियुक्त करने हैं, इसी संबंध में आज बैठक की गई है।
आज की जो मीटिंग है उसका क्या उद्देश्य है? मैं विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार से आज की मीटिंग जो रखी गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम हर गांव हर बूथ पर पहुंचाने का हमारा संकल्प है और बहुत जल्द इसे हर घर में भीम आदमी पहुँचेगी और आजाद समाज पार्टी भी पहुँचेगी और यही आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य है कि हम बूथ से लेकर और विधानसभा तक सारे पदाधिकारियों को खड़ा कर सकें। क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। मेरा नाम अजीत वाल्मीकि है, मैं आत्मापुर विधानसभा से सच्ची हूँ और आज की मीटिंग जो रखी गई है हमारे भाई सोनू भाई के नेतृत्व में सभी को आया समाज पार्टी में जोड़ा जा रहा है और बूथ से लेके वार्ड तक के नोट किया जाएगा सभी को। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।